दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। पंचायती राज के चुनाव ना होने के कारण पूर्व सरपंचों को ही ग्राम प्रधान बना दिया गया है, जिसका खासा नाजायज फायदा उठाते हुए सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला त्योरथर जनपद पंचायत के रेही ग्राम पंचायत से सामने आया, जहां रोजगार सहायक के मनमानी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की गई। बताया जाता है कि रोजगार सहायक प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों से 20,000 रुपयों की घूस लेकर योजना का लाभ दे रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मजदूरों की राशि का भुगतान नहीं किया गया और अन्य हितग्राहियों के नाम पात्रता सूची से घूस न देने की वजह से काट दिया गया है और पैसे लेकर अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसकी जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही ग्राम रईखवाड़ा के दिव्यांग हितग्राही अमृतलाल द्विवेदी और जने के इंद्रजीत कोल के साथ ही अन्य हितग्राहियों के जीआरएस के द्वारा घूस की मांग करने पर हितग्राहियों के द्वारा न दिए जाने पर जीआरएस ने प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी राशि किसी अन्य के बैंक के खाते में डालकर आहरण कर ली। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत रही के ग्राम रईखवाड़ा एवं रही में जीआरएस के द्वारा मौके पर खेतों पर कोई मेड़ बधान नहीं कराया गया, वहीं फर्जी तरीके से यह कार्य नाम पे राशि को निकाल लिया गया, जिसकी भी जांच की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं त्योथर जनपद पंचायत के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों को, जिन्होंने अपनी समस्याओं को सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आज हम लोग त्योथर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रेही के जनेह गाँव में आए हुए हैं, जहाँ पर एक पीएम आवास ऐसा है जो कि बिना छत पड़े इसकी सारी किस्तें निकल चुकी हैं और इसे आवास पूर्ण दिखा दिया गया है। भैया थोड़ा अंदर से दिखाइए इसको, छत अच्छे से दिख सके। दिख रहा है ये, इसमें छत आज तक नहीं पड़ी हुई है, ये पट्टी बल्ली लगा के बस पैसा निकाल लिया गया है। जो है ग्राम पंचायत रेही से आया हूँ जीआरएस के खिलाफ शिकायत देने। अच्छा। एक साल पहले दे चुके हैं जी, यहाँ से कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जी। किस संदर्भ में शिकायत थी आपकी? बहुत सारे मुद्दे हैं, बताइए। जैसे मेड़ बंधान का कार्य नहीं हुआ और पैसा निकल गया, किसी आवास में छत नहीं पड़ा और आवास पूर्ण दिखाया गया। हम आए हैं जीआरएस के और सचिव के, सरपंच, सहायक सचिव सबके एक नाम मैं कंप्लेन किया। मेरे घर में जबरदस्ती दूसरे का दर्शा करके कॉलोनी काट काट करके दूसरों का, गरीबों का और हमारे घर को दिखा रहा है। और हमारी माता जी का टोकन में नाम था वो काटा, लैट्रिन का पैसा मेरा खा लिया, कुछ भी आज तक नहीं दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा सहायक सेक्रेटरी और ऐसा सचिव को जांच कर करके कड़ी से कड़ी। मेरा धान गेहूं खरीदी केंद्र सुहरवा नियत किया गया है, क्योंकि सुहरवा सोसाइटी है, सहकारी समिति सुहरवा है। ये सेल्समैन प्रमोद ओझा एवं समिति प्रबंधक दोनों की मिली भगत से ये अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से डुड़किया का रहने वाला है प्रमोद ओझा, अपने गृह ग्राम के पास बगवारी में गेहूं खरीदी कर रहा है। किसानों से 200 से रुपए से लेकर 500 रुपए तक तौलाई एवं जो है पास कराई ली जाती है। नीलेश पांडे जो प्रशासक हैं सेवा सहकारी समिति के, उनका ये कृपा पात्र है प्रमोद ओझा। इसकी फर्जी ढंग से नियुक्ति भी की गई है, इसको सूती ऑफलाइन दुकान दी गई है। आए दिन बहुत दमन में किस्म का व्यक्ति है, गरीबों का जो है खाद्यान्न भी पचा लेता है, सब कुछ कर लेता है। इसके खिलाफ जांच करके दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई के लिए मैं आया हूँ।